प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु हमसे प्यार करता है, आमेन। विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर की उपस्थिति में सुख है, उसके जीवन में सुख है। हम बहुत जल्द नज़दीक आ रहे हैं। देखो, साल अभी शुरू हुआ था और अभी आठवां महीना चल रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं, हमारी नजर में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आपको पता है कैसे काम करता है? वो अद्भुत है, सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके उसकी उपस्थिति में ही सामर्थ्य है, उसके नाम में ही शिफा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, उसकी ज्योति में अद्भुत सामर्थ्य है। हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर जो मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, अंधकार की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। जिस तरीके से आप यीशु को देखेंगे, जिस तरीके से आप यीशु को अपने जीवन में उतारेंगे, जो भाव लेकर आप कलीसिया में आएंगे उसके सामने, वैसा ही आपके जीवन में होगा। मैं याद आपको बता रहा हूं, जिस भाव से आएंगे आप, जो भावना लेकर आएंगे आप अपने घर में अपने पति को संदेह से देखना शुरू कर दीजिए। किसी ने आपको बताया कि आपका पति किसी और औरत के संग मिलता है, और अगर आपने बिना जांचे संदेह करना शुरू कर दिया, आप देखिए आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपका खाना भी कड़वा हो जाएगा। सिर्फ आपकी सोच बदली है, वो आदमी नहीं बदला, वो वैसा ही है। आपका पति नहीं बदला, वो सेम है, क्योंकि आप बदल गए हैं, क्योंकि आपके मन के भाव बदल गए हैं, क्योंकि आपके अंदर संदेह आ गया है। वो आपसे बात भी करेगा तो आप संदेह की दृष्टि से देख लेंगे, वो आपको ज्यादा प्यार करेगा तो आप संदेह की दृष्टि से देखेगा, आपके लिए वो कोई गिफ्ट लेकर आएगा तो आप संदेह की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर अपने पति के लिए संदेह पैदा हो गया है। और वो जो संदेह है उसने आपकी खुशियां छीन ली हैं। यही भाव परमेश्वर के संग होता है। बाइबल कहती है, प्रेज द लॉर्ड, इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह जैसा कल था वैसा आज है और वैसा हमेशा रहेगा। वचन कहता है वो एक सा है। कभी कभी आप देखते होंगे कलीसिया में कोई भाई बहन आता है, आप देखते हैं आपके सामने उसको आशीष मिल रहा है, आपके सामने वो उन्नति पा रहा है, और आपके मन में सवाल आता है कि यार ये तो अभी भी आया है, यार 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, देखो इसको अच्छी नौकरी मिल गई, इसके अंदर गाड़ी भी आ गई, अरे क्या बात है यार, हम 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, हमारे संग नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये उसके देखने पर है कि आप परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, अगर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप निर्भर हैं और परमेश्वर को बता चुके हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा प्रभु की उपस्थिति में होगा और प्रभु के आशीर्वाद से ही होगा। और नंबर 2,
कि मेरे जीवन में अच्छा ही होगा। जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आ जाती है, जो कि परमेश्वर की है, जो कि परमेश्वर का वादा है, यिर्मयाह 29:11-12 कि परमेश्वर की ऐसी वाणी है कि उसने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। जिस दिन आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, उस प्रॉमिस पर विश्वास करते हैं और आप ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है, लाभ की है, हर स्थिति में मेरा अच्छा होगा, हर स्थिति हर परिस्थिति मेरे लिए सुख लेकर आएगा। आमीन। जिस दिन आपकी ये सोच होगी उस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का काम आप देखेंगे। आप दूसरों के जीवन को देख के कहेंगे उनका जीवन तो सही चल रहा है, पता नहीं मेरा जीवन सही चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे जीवन में सुख आएगा कि नहीं आएगा। जिस दिन आपके मन में ये आएगा उस दिन आपके जीवन में सुख आएगा भी तो भी आप उस सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो भी आप उस सुख के अनुसार आनंद नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि आपने उस दृष्टि से देखा ही नहीं है। हेलो, आप परमेश्वर को समझे ही नहीं है। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पति को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी पत्नी को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पिता परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे अंदर यह भूख ही नहीं होती कि मैं अपने पिता को जानूं, मैं और करीब आऊं पिता के, वो मेरा पिता है, उसने सृष्टि की रचना की, उसने 2000 साल पहले अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि हम सुख पाएं, उसने मुझे पापों श्रापों से मुक्त किया। क्यों मुक्त किया उसने? क्या वो हमको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता था? यीशु का लहू बहाना जरूरी था क्या? हालेलुया। ये सारी चीजें हमें सोचनी है, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। उसने क्यों हमें शुद्ध किया? उसने क्यों हमें पवित्र किया? उसने क्यों अंधकार से छुटकारा दिया हमें? अंधकार क्या है? पाप क्या है? क्यों पाप से घृणा करने के लिए परमेश्वर कहता है? ये सारी चीजें मेरे भाई मेरी बहन जरूरी है कि हम जाने। हमारे लिए मकसद होना चाहिए कि मैं अपने पापा को, अपने पिता को जानूं, उसके प्यार को जानूं जो मुझसे वो प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। बाइबल कहती है रोमियो 8:31, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया तो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? हाल ले पढ़िए बेटे, 31 है 32 है 30। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। जिस दिन हम इस वचन को समझ लेंगे, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया, अपने पुत्र को, निज पुत्र को, तो वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। हमारे कई सवालों का जवाब है ये। हम उससे मांगते हैं, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमारी नौकरी के लिए मांगते हैं, धंधे के लिए मांगते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं। कई सवालों का जवाब है कि जब वो हमें अपना इकलौता पुत्र दे सकता है तो वो हमें आशीष क्यों नहीं देगा? वो हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको इसी बात को बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि, आप समझें, आप जानें कि यीशु कौन है, हमें उसको कैसे देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर एक व्यापारी की बात करूंगा मैं। व्यापारी अपने व्यापार में जाने से पहले अपने 3 सेवकों को कुछ पैसा दे के जाता है और 3 सेवकों की अलग अलग राय है, 3 सेवकों का दृष्टिकोण अलग है। हालेलुया। मत्ती 25:14-26 के बीच में, मैथ्यू 25
14 to 26. Praise the Lord. ध्यान से इस वचन को समझिए. आपके पास बाइबल है, प्लीज बाइबल निकालिए. बाइबल लेकर आया करिए मेरे भाई, प्लीज बाइबल लीजिए. बाइबल लेके आइए और बाइबल को खोलिए. जब आप अपनी बाइबल को खोलेंगे, वो वचन आपसे बात करेगा, वो वचन आपसे बात करेगा, आपका जीवन बदलेगा. हालेलुया. Matthew 25:14-26. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया. और तब परदेश चला गया. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए. इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए. परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा. जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छीटता वहाँ से बटोरता है. इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरारफों को दे देता. आमीन. हालेलुया. बस अब यहाँ 3 दास हैं. देखिए भाई, मालिक एक ही है. अगर हम इसको ऐसे देखें कि पास्टर एक है यहाँ पर और उसके 3 शिष्य हैं. हालेलुया. और तीनों शिष्यों को वो अलग अलग भार देता है, अलग अलग काम देता है. हालेलुया. 5 को दिया, उसने मेहनत की और 5 और लेकर आया. दूसरे को दिया, 2 दिया, उसने भी मेहनत की लेके आया. लेकिन तीसरा जो दास था, तीसरा जो शिष्य था, उसने कहा मैं नहीं लाया. क्यों नहीं लाया? और उसने वजह बताई, क्योंकि मैं जानता था कि तू कठोर है. वो क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसने अपने मालिक को कठोर रूप में देखा. अगर वो अपने मालिक को दयालु स्थिति में देखता, प्रेमी देखता, कि मेरा जो पिता है, मेरा जो मालिक है प्रेमी है, तो उसके अंदर उत्साह था कि मेरे अंदर प्रेमी है. उसने अपने मालिक को कठोरता के रूप में देखा कि नहीं 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 भैया, ये कठोर है. आमीन. तो समस्या क्या है कि आप अपने मालिक को कठोरता के रूप में देख रहे हैं. आपका पिता कई बार आपको पैसे नहीं देता है, कई बार पिता आपको मना करता है आपकी जरूरतों के रूप में. या तो आप अपने पिता को कहेंगे, नहीं मेरा पिता मुझे डिसिप्लिन में ला रहा है, या आप कह सकते हैं कि नहीं मेरा पिता कठोर है, वो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है. तो आपके अंदर अपने पिता की कैसी छवि आएगी कि नहीं यार ये आदमी मुझे प्यार ही नहीं करता, कठोर है यार, ये गलत है. प्रेज़ द लॉर्ड. दूसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं मेरा पापा अच्छा है यार, चलो कम से कम मुझे डिसिप्लिन कर रहा है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो तीसरा क्यों नहीं कर पाया?
क्योंकि उसने अपने दिल में अपने मालक की छवि गलत बनाई हुई है। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमारे भी सदस्य, हमारे भी चेले, हमारे भी जो शिष्य हैं कई बार भटक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर छवि गलत बनी हुई है, छवि गलत बनी हुई है, परमेश्वर की छवि। इसलिए आप क्रूस को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप क्रूस को समझेंगे तो उसकी दया, उसका प्रेम आपके अंदर से कभी नहीं जाएगा। जिस दिन आप क्रूस को समझ लेंगे, जिस दिन उसके त्याग को समझ लेंगे, जिस दिन आप उसके बलिदान को समझ लेंगे, एक बच्चा अपने पिता से कभी भी दूर नहीं हो पाएगा अगर वो उसके बलिदान को समझ लेगा कि मेरा पिता कैसे बलिदान करता है, कैसे उसने मुझे अब तक पाला है, कैसे उसने मुझे पढ़ाया है, कैसे उसने मेरे लिए जमा पूंजी की है ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। जिस दिन उसको यह एहसास हो जाएगा ना, वो अपने पिता के प्रेम को कभी नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर उसे यह एहसास होगा, अरे वो तो मेरा पिता, उसको काम यही करना था, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है मुझे पालना, उसकी ड्यूटी है मुझे खिलाना, उसकी ड्यूटी है, तो वो जो प्यार का एहसास है वो खत्म हो जाएगा। और जहां प्यार का एहसास खत्म हो जाएगा, उस दिन पुत्र के अंदर पिता की छवि अच्छी नहीं होगी। और अगर पुत्र के अंदर पिता की छवि अच्छी नहीं होगी तो किसका नुकसान हो रहा है? पिता का नहीं हो रहा है, पुत्र का हो रहा है। क्योंकि पुत्र के अंदर अगर पिता की अच्छी छवि होगी तो वह जिंदगी में उत्साहित होगा, निरुत्साहित नहीं होगा। उसके अंदर उत्साह का कारण होगा कि मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। अगर उसके अंदर पिता की छवि अच्छी नहीं होगी तो उसका उत्साह मर जाएगा, तो जिंदगी में वो उत्साहित नहीं रहेगा यार, क्योंकि उसके अंदर एहसास ही नहीं है कि मेरा पिता मेरे साथ है, क्योंकि वो पिता की छवि उसके अंदर अच्छी नहीं है। जिस दिन पिता की छवि उसके अंदर गलत होगी, उसका भविष्य व्याकुलता में होगा, संदेह में होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, बड़ा भविष्य, बड़ा दर्शन नहीं देख पाएगा। वो सोचेगा मैं, अब मुझे कुछ करना है। वो भूल जाएगा कि उसके पिता कर चुका है, जो तू आने वाले 25 साल में नहीं कर सकता, पिता अभी से कर चुका है। हालेलुया। तो वो जो दास था जिसने एक तोड़ा लिया और एक तोड़े को भी गड्ढे में डाल दिया, उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि मेरा पिता कठोर है। उसके अंदर पिता की कठोरता की छवि थी। परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, लाल समुद्र से निकाला, पत्थर से पानी पिलाया, 40 साल तक मन्ना दिया काट से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मूसा सीनै पर्वत पर था और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि इज़राइल का कोई भी सदस्य इस पर्वत को हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर वो इस पर्वत को हाथ लगाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इज़राइलियों के लिए परमेश्वर क्या हो गया? भस्म करने वाली आग, कि ये भस्म कर देगा। इसलिए इज़राइलियों ने मूसा से कहा कि भैया हमको बात नहीं करनी परमेश्वर से, तू ही बात कर, हम तो तेरी सुनेंगे, तू हमें बता। जबकि वहां परमेश्वर मौजूद है बात करने के लिए, लेकिन चूंकि उन इज़राइलियों के मन में एक गलत छवि आ गई अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, कि तो भस्म करने वाली आ गई तो मार देगा हमको, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग ये भूल गए कि ये हमें मिस्र से निकाल कर लेके आया है, दासत्व के जीवन से छुड़ा कर लेकर आया है, दिन में बादल और रात को आग के खंभे के द्वारा इसने हमारी सहायता की है, पत्थर से पानी पिलाया है, मन्ना खिलाया है। ये अगर हमें मना कर रहा है कि उस सीनै पर्वत को मत छुओ, जब मैं सीनै पर्वत को होऊंगा तो उसकी वजह क्या है? ये नहीं सोचा
अगर वो सोचते तो उन्हें एहसास होता कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे पवित्र रहें। वो पवित्रता की शक्ति दे रहा था उन्हें, परमेश्वर बता रहा था कि पवित्रता क्या है। जैसे मौरिया पर्वत पर मूसा आ रहा था और जैसे परमेश्वर करीब आ रहा था, परमेश्वर ने कहा वहीं रुक जाओ और अपने चप्पल उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नजरिया क्या है? हमारा नजरिया क्या है? कई चर्चेस में अभी भी आप जाएं तो पुलपिट पे जूते पहन के जाते हैं, कई पुलपिट। हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे लिए स्थान पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते, ये मेरा नजरिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आप सिर्फ परमेश्वर से पाना ही चाहते हैं या परमेश्वर के होना चाहते हैं? आमीन। आप परमेश्वर के साथ क्यों संगति करना चाहते हैं? कि मुझे नौकरी मिले या मुझे जीवन मिले? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मकसद क्या है यहां पर चर्च आने का? क्या दो वक्त की रोटी, क्या मेरा इंक्रीमेंट, क्या मेरा धंधा बढ़ जाए, या मेरी बीमारी दूर हो जाए, या मुझे ईशु मिल जाए? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 22 का एक और दो पढ़ेंगे हम, तो इब्राहिम जो कि 99 साल का जब वो था तो उसे बच्चा हुआ। हालेलुया। और जो बच्चा बड़ा हो गया, परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे दे दे, चल मुझे दे। इब्राहिम, वो बच्चा जिसे तू प्यार करता है। देखिए ये बहुत ही साफ 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 शब्दों में उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। कहीं कंफ्यूज मत। 22 का एक पढ़िए बेटे, एक दो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उनकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसकी यह एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। अचानक से कि चल उठ और मोरिया पर्वत पर जा, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता है, उसको ले। इस्माइल को मत ले लेना, इसाक को ले जो तेरा है, और मोरिया पर्वत पर जा और वहां पर उसको बलि कर। प्रेज द लॉर्ड। अगला क्या कहता है? तीसरा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। आमीन। आमीन। सवेरे तड़के उठा। आप इस वचन को समझिए। मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे तक? हालेलुया। इस वचन को समझिए। इतना बड़ा परीक्षा उसके सामने थी, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, मौरिया पर्वत पर जा और उसे बलि कर। आमीन। तीसरा वचन क्या कहता है? वो सवेरे उठा। सवेरे तड़के वो, बोलिए सवेरे तड़के वो उठा। सवेरे तड़के वो उठा, इसका मतलब कि वो सोया था। आमीन। हेलो। ऐसी बात सुनकर आप सो पाएंगे? अपने इकलौते पुत्र का, जो तेरा इकलौता पुत्र है, जो 100 साल में हुआ है, आज वो 30 साल का है, उठ और बलि कर देना। आप सो पाएंगे? सोचिए, सो पाएंगे आप?
आप रात भर कहेंगे प्रभु ये क्या है, इस बुढ़ापे का पुत्र मेरा, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरी क्या गलती है। आमीन। आपको नींद आएगी, नींद आएगी आपको, लेकिन वो क्या लिखा है वचन कि वो सवेरे तड़के उठा, यानी कि सोया तभी तो उठा, वो सोया तभी तो उठा। आमीन। क्यों सोया? कि उसे विश्वास था कि मेरा पिता मुक्तिदाता है। उसे विश्वास था कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो मुर्दों को जिला सकता है। आमीन। वो इंसान परीक्षा में जीतता है। आप परीक्षा में क्यों हारते हैं? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो जीवित है, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो ऊंघता नहीं है, वो सिंहासन पर मेरे लिए जीवित है। आमीन। इसलिए वो उठा, और क्या किया उसने, उठते ही गधे पर लकड़ियां डालना शुरू कर दिया। क्या लकड़ी के लिए कहा था परमेश्वर ने? क्या आज्ञा दी थी कि लकड़ी भी लेकर जाना? वो बहाने कर सकता था ना कि छोड़ो यार लकड़ी, छोड़ो यार, जब लकड़ी नहीं होगी, चाकू नहीं होगा, आग नहीं होगी, तो हो सकता है परमेश्वर कहे छोड़ो यार आज नहीं कल करते हैं, उसका इरादा चेंज हो जाए। उसने कहा नहीं, मुझे बलिदान देना है, परमेश्वर की आज्ञा है कि बलिदान देना है। इसलिए उसने लकड़ी बांध ली, चाकू लिया, आग ली। आमीन। क्योंकि वो जानता था कि मेरा प्रिय परमेश्वर प्रेमी है, वो प्यार करने वाला है, वो मेरी चिंता करने वाला है, वो मुझे उठाने वाला है, वो मुझे जीवन देने वाला है। आमीन। वो मेरा हानि कभी नहीं चाहेगा, वो मेरा लाभ चाहेगा। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी सोच हो गई कि मेरा पिता जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, वो पिता जिससे मैं आराधना करता हूं, वो मेरी हानि कभी नहीं चाहेगा, लाभ चाहेगा, उस दिन आपके जीने का अलग है मकसद हो जाएगा, अलग ही मकसद हो जाएगा। आप देखते कैसे हैं प्रभु को? आपकी निगाहें क्या हैं? आपका नजरिया क्या है? आप चर्च में आते हैं कैसे आते हैं? असहाय निर्बल होके आते हैं क्या? चर्च में आ रहे हैं, देखिए आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, या आप विश्वास के संग आते हैं कि मैं आज प्रभु के घर जा रही हूं और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं किसे घर आया हूं? प्रभु के घर हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आज यहां पर आई हूं तो कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। जिस दिन आपके अंदर यह मकसद होगा, जिस दिन आपके अंदर ये आशा होगी, जिस दिन आपका ये उद्देश्य होगा, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप खाली हाथ क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका नजरिया ही गलत है। आप गलत तरीके से सोचते हैं। आपके नजरिए पर परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आत्मिक आशीषें भर दी, उनको लेना आपके हाथ में। हालेलुया। अब वो कैसे लेना है ये आपका नजरिया बताएगा कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। या देखिए मैं दो उदाहरण आपको दूंगा, एक यहूदा इस्करियोती का और एक मरियम मगदलीनी का। हालेलुया। और जो आपको बताएंगे कि हमको परमेश्वर को किस तरीके से देखना है। यहां पर यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का 12वां चेला था, हालेलुया, जो यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था, जिसके पास अधिकार था, जिसके पास सामर्थ था, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल चुका था, बाइबल कहती है वो कई मरीजों को, कई बीमारों को चंगा कर चुका था, वो यीशु मसीह का चेला था। लेकिन क्या था उसके पास? एक पैसे की थैली रहती थी। वो कैशियर था।
यीशु मसीह की कलीसिया का वो कैशियर था, उसके पास थैली रहती थी और वो उस थैली में से चोरी करता था। हालेलुया। अब आप देखिए उसका नजरिया, जहां लालच आया आपके जीवन में वहां आपका नजरिया बदल जाता है, वहां परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बदल जाता है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना 12:3-8, ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़ने वाले पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसके कंगालों की चिंता थी, परंतु उसकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था, वो निकाल लेता था। आगे यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए 22:3-5 में क्या लिखा हुआ है, लूका 22:4। अब ये छोटी सी बात उसने कही, अब देखिए यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है जो कि उसका साथी था, यूहन्ना बता रहा है कि वो चोर था, उसके हाथ में थैली थी और वो चोरी करता था। हालेलुया। यानी कि उसके मन में क्या आ गया, लालच। लालच क्या है? पाप है। जब हम लालच करते हैं हम परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ को खो देते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ 22:3, तब शैतान यहूदा में समाया जो स्क्रोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पैरुओं को के सरदारों के साथ बातचीत की। अब देखिए यहाँ से जैसे ही उसने मना किया कि मत कर बेटा, ये हमें कंगाल हूँ, कंगालों को तो हमेशा सुधी रहता है, ये जो औरत है इसने जो इत्र बहाया है ये मेरे लिए बहाया है, तो क्यों लड़ता है? उसको समझाया तो वो कहाँ चला गया? उसने ये नहीं देखा कि मेरा गुरु है, मेरा पास्टर है। उसने कहा, अरे यार ये आदमी तो खाने नहीं दे रहा मुझे। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को कैसे देखा? एक उसने गुरु भी नहीं माना उसे। आप कैसे देखते हैं अपने गुरु को? वही यीशु मसीह जब अध्याय आपका 16 में जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा था कि नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि तू कोई मरे, और यीशु मसीह ने सबके सामने कहा था, हट शैतान, तू संसार की बात सोच रहा है, तू शरीर की बात सोच रहा है, तू परमेश्वर के मन की बात नहीं सोच रहा, हट। लेकिन पतरस को बुरा नहीं लगा था। हालेलुया। वही पतरस था जिसको बुरा नहीं लगा कि मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने सबके सामने मुझे शैतान कहा है। लेकिन यहूदा इस्करियोती, इसको बुरा लगा कि यीशु ने कहा कि अरे यहूदा क्यों उसको सता रहा है, उसको जाने दे। अरे भाई ये अगर इसने इत्र बहाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे मरने के लिए, उसे कह रहा जाने दे। और उसने इमीडिएट क्या किया, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। तब क्या लिखा हुआ है, तब शैतान जैसे ही उसके अंदर लालच आया, लालच एक अंधकार है, जैसे ही उसके अंदर लालच आया, जैसे ही उसके अंदर गुस्सा आया, क्रोध आया, बाइबल कहती है तब उसी समय शैतान उसके अंदर समाया। शैतान तो देखता है इमीडिएट, वो देखता है कि आपको कब पकड़े, कब आपको आजमाइश में लाए। हालेलुया। उसकी युक्तियां आपके लिए 24 घंटे हैं। उसमें लिखा हुआ तब शैतान उस यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और जो 12 में से एक था। उसने जाकर मुख्य याजकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार से पकड़ाया जाए। हेलो, क्या किया यीशु मसीह ने?
इसके संग कोई बुराई की? इसको समझाया ना? क्या गुरु अपने शिष्य को नहीं समझा सकता? क्या एक गुरु अपने मन की बात अपने शिष्य को नहीं बोल सकता? अगर शिष्य गुरु के मन की बात को भी नहीं समझ सकता तो उसे शिष्य कहने का अधिकार है? क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर लालच था, उसके अंदर क्रोध था। क्रोध अंधकार है और आपको भस्म कर देता है। हालेलुया। क्या हुआ? तब शैतान उसके अंदर समा गया और इमीडिएट वो चला गया फारसियों के पास के भैया मैं पढ़वाता हूं यीशु मसीह को, कितना पैसा दोगे भाई? आमीन। हेलो, हालेलुया। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं ये। इस पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, वो चला गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 21 22 23 वां पर। देखो वो जो मुझे धोखे से पकड़वाने पर है उसका हाथ मेरे मेज पर है। अब देखो यीशु मसीह क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा निश्चित किया गया जाता है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए हाय जिसके द्वारा वो धोखे से पकड़वाया जाता है। हाय उसके लिए जो शैतान के बहकावे में आ गया। हाय उसके लिए जो थोड़े से लालच के लिए अपने गुरु के अगेंस्ट जा रहा है, उसको पकड़वा रहा है, उसको मौत की सजा दिलवा रहा है। आप सोचिए यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। हेलो, यहां क्या बता रहे हैं यीशु मसीह? कि मैं तो पकड़वाने वाला हूं ही, मैं तो क्रूस पर चढ़ने वाला हूं ही, मुझे पता है। लेकिन हाय उसके ऊपर जो मुझे पकड़वाए। हम कभी कभी गुस्से में सोचते नहीं है, इसीलिए गुस्सा पाप है। अगर आपके अंदर गुस्सा शाम तक खत्म नहीं हो रहा है तो पाप है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर न्याय पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, और उसमें सबसे बड़ा नाश किसका होता है? आप ही का होता है और किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। इसीलिए गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। पाप क्या है? क्षमा नहीं करना, क्षमा नहीं मांगना, क्षमा नहीं करना, क्षमा का एहसास नहीं लाना, ये पाप है। हालेलुया। तो यहां पर क्या किया उसने? अपनी गलती नहीं मानी कि आई एम सॉरी पास्टर, मुझसे गलती हो गई। गया और फारसियों को जाकर पकड़ा, ये है इशू, चल मैं तुझे पकड़वाता हूं, कितना पैसा देगा? क्योंकि उसने गुरु को प्रभु के, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में देखा ही नहीं। आप यीशु को कैसे देखते हैं? सिर्फ चंगा करने वाला देखते हैं कि मेरा यीशु सिर्फ चंगा करने वाला है, सिर्फ नौकरी देने वाला है, सिर्फ मेरा आपका धंधा ठीक करने वाला है, दुष्ट आत्माएं निकालने वाला है, या मेरा यीशु मेरा उद्धार करता है? Amen। मेरा इशू कौन है आपके लिए? आपका इशू कौन है? आप किसके लिए आते हैं यहां पर? चंगाई तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आपका शरीर है, आज आपके सर में दर्द हो रहा है तो कल गले में होगा, फिर छाती में होगा, कल कमर में होगा, वो होगा। आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको दर्द होगा। इशू मसीह चंगाई भी देगा फिर भी दर्द आ जाएगा। तो आपको उस दर्द को नहीं देखना है, आपको प्रभु को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ को कभी मत भूलिए, वो आपका उद्धार करता। आप देखिए यहां पर बहुत अच्छा वचन है 20 का, यूहन्ना 20 11 12 13 14। यहां पर मरियम मगदलीनी देखिए क्या कहती है। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर, जब यीशु की डेथ हो गई और यीशु मसीह की जो बॉडी है वो एक गुफा में रखी गई, और जब मरियम, देखिए मरियम मगदलीनी उसकी चेली भी नहीं थी, उसकी शिष्य नहीं थी यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने उसको नहीं चुना था, यीशु मसीह ने उसको माफ किया था, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, उसको क्षमा दी थी,
कुछ नहीं था यीशु का संबंध, लेकिन उसने यीशु को कैसे देखा? देखिए देखिए, आप ध्यान दीजिए, कैसे उसने यीशु मसीह को देखा, पढ़िए बेटा जोर से। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। आमीन। क्या कहा मरियम मगदलीनी ने? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, वो मर चुका है। ले मरियम मगदलीनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा यीशु मरा है या जिंदा है, वो मेरा प्रभु है। आज यीशु मसीह आपके लिए काम कर रहा है, आपका प्रभु है। आज वो काम नहीं कर रहा है, मेरा प्रभु नहीं है। मरियम मगदलीनी का नहीं था, वो रो रही है, उसकी लाश वहां पर नहीं है, चेले बैठे हैं ऊपरी कोठरी में और वो कह रही है मेरे प्रभु को उठा ले गए। आमीन, आमीन। आप देखिए यहूदा इस्करियोती को देखने का अंदाज प्रभु को कैसे देख रहा था और मरियम मगदलीनी प्रभु को कैसे देख रही है। हालेलुया। उसने कहा इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्हें कहां रखा है। और 14वां वचन, ये कहकर जब वो मुड़ी तो यीशु वहां खड़ा हुआ था। चाहे मुर्दा हो, चाहे यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई ना कि मेरा यीशु काम करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है, यीशु आपके सामने खड़ा होगा। यीशु आपके सामने खड़ा होगा, वो मुझे नौकरी दे या ना दे, वो मेरा प्रभु है। बोलिए, वो मुझे नौकरी दे या ना दे, वो मेरा प्रभु है। वो मुझे चंगाई दे या ना दे, वो मेरा प्रभु है। विश्वास करिए, अपने नजर, अपना अंदाज, अपना नजरिया ऐसा बनाइए और उसके बाद देखिए यीशु हमेशा आपके साथ आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपका प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे भाई, आपके विश्वास में आपका नजरिया बहुत काम आता है। आप कैसे यीशु को देखते हैं, आप कैसे कलीसिया आते हैं, आप कैसे बाइबल पढ़ते हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आप कैसे उसको प्यार करते हैं। यिर्मयाह 29 का 13। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बीमारी मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। वो 12 साल की औरत जो कुबड़ी थी, उसने प्रभु को नहीं नकारा, वो 12 साल से कुबड़ी थी। लेकिन एक दिन प्रभु ने हाथ रखा और वो चंगी हो गई। परमेश्वर अपने समय पे काम करता है। वचन पढ़िए बेटा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे, उसका वादा है वो आपको मिलेगा। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लालच नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई आपकी योजना नहीं होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी जब तुम संपूर्ण हृदय से मुझे पास आओगे। संपूर्ण। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कलीसिया संपूर्ण हृदय से आइए, संपूर्ण अपने मन में विश्वास लेकर आइए कि प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरी बहन, आपके जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रभु काम नहीं कर सकता।
आपका बच्चा कितने भी गलत संगति में हो, आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों को खींच लाएंगी। आप विश्वास करिए, बस आप विश्वास करिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। अपने नजरिए को समझिए, अपना विश्वास मुकम्मल करिए, जो कुछ भी है मांगिए, लेकिन विश्वास के संग। कलीसिया आइए विश्वास के संग मेरे भाई, ऐसे मत आइए, संदेह मत लगाइए, होगा या नहीं होगा, नो, प्रेज द लॉर्ड, मेरा अच्छा होगा, मेरा प्रभु यीशु है, मैंने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना पूरी होगी और परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु है, उसने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। आमेन, हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ में आया है? मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा अगर इस वचन को आपने अपना बना लिया, अगर अपने विश्वास को आपने सुदृढ़ किया, मजबूत किया और उसके अनुसार आप चले, आपका जीवन बदल जाएगा। आप चाहते हैं आपका जीवन बदले? इस वचन को स्वीकार लीजिए, इस वचन को अपना बना लीजिए। जो YouTube पे देख रहे हैं वो भी भैया अपने वचन को बनाइए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।